आप तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं करेगा, भले ही सुइया लेकर के सुबह शाम चलेगा, जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देता तब तक हम बेड रेस्ट करने वाले नहीं। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में क्या पूरे दुनिया में नहीं हो मिलेगा। मोदी जी इतना झूठ बोले ले कि गोबर के भी हलवा बना दे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, खाली भाइयों और बहनों, अरे भाइयों के लिए क्या किया, बहनों के लिए क्या किया, बिहार के लिए 10 साल में क्या किया मोदी जी, उस पे ना बोलिए, बेरोजगारी पे ना बोलिए, गरीबी पे ना बोलिए, महंगाई पे ना बोलिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई पे ना बोलिए। तो मोदी जी खाली 10 साल रवा लोग इनके ठगले हैं, लगातार गोपालगंज से सांसद एनडीए का जीतता जा रहा, एनडीए का विधायक जीत रहा, एमपी जीत रहा, 17 साल से राज्य सरकार मुख्यमंत्री उनका है, 10 साल से प्रधानमंत्री केंद्र में सरकार उनका है, लेकिन भोरे की जनता दिल पे हाथ रख के बोलो कि भोरे को क्या मिला, कुछ मिला भोरे के लिए लोग कुछ किया, एमएलए उनका है कि नहीं है, एमपी उनका है कि नहीं है, मुख्यमंत्री मंत्री उनका है कि नहीं है, और प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्री 10 साल से है कि नहीं है। जितना हुमच के तू लोग वोट दे लो बड़ा हो, उतना हुमच के एक को काम गिना दो हमारा के नरेंद्र मोदी के जो भोरे के लिखेल बा, कोई बता सकेला? यही मोदी जी कहत रहे कि किसान भाई के आय दुगुना हो जाए पाइस में, बतावा किसान भाई कटनी सब हो गई, फसल के दाम ढंग से मिला था, कुछ ना लोग खाली ठगले बड़े सर, 15 लाख रुपया खाता में। ए भाइयों बहनों, मोदी भाई आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कुछ किए। तेजस्वी 17 महीने था तो सबसे पहले थावे मंदिर में गोड़ लग करके थावे मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहा है, काम हो रहा है आज, और सबसे पहले गोड़ लग के हमारे थावे माई के हम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दिए गोपालगंज। 17 महीना में ट्रॉमा सेंटर दिए हम बैकुंठपुर में, हर जगह हम लोग काम कर रहे थे, 5 लाख लोग इनके नौकरी हम लोग दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन बा, नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोग के राजकीय कर्मी के दर्जा दिए, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, इन्वेस्टर मीट हमने करवाया, 50,000 करोड़ का निवेशकों से बिहार में वो खर्चा करेंगे, उसका एग्रीमेंट करवाए, मानदेय बढ़ाए टोला विकास मित्र के, तालमी मरकज के, शिक्षा मित्र के, टोला सेवक के, इन सब के मानदेय, आंगनबाड़ी के मानदेय को दुगुना हम किए, जाति आधारित गणना हम कराए, 75% आरक्षण का सीमा हम लोगों का सरकार ने बढ़ाया, सोचो 17 साल में हम लोगों ने जो किया, 17 महीने में जो हम लोगों ने किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी एक काम नहीं गिना सकते, एक काम नहीं गिना सकते, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी को बोलना चाहिए था कि कूद कूद करके 10 बार आए हैं, देखोगे इधर हेलीकॉप्टर है ना, एक हेलीकॉप्टर है, हम मुकेश जी घूम रहे हैं, अब भाजपा वाला लोग के 20 हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर को हम ट्रैक्टर बना दिए, 180 सभा हम कर चुके हैं चुनावी रैली, 180 एक 34 साल के नौजवान को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री केंद्र का सब मंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार के सारे मंत्री अकेले 34 साल के लड़के से लड़ रहे, गोपालगंज का बेटा से लड़ रहा है, जान रहे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से लड़ रहे,
गोदी मीडिया से लड़ रहे, पूंजीपति से लड़ रहे, काहे आपके ताकत के वजह से हम लड़ रहे। आप जो ताकत दिए उस ताकत से हम लड़ रहे हैं लोगों से। और सरकार बनेगा तो राहुल गांधी जी हम लोग मिलके तय किए कि सरकार बनते ही 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग दिलाएंगे। किसान भाई लोग के 10 फसल पे MSP हम लोग दिलवाएंगे। और गरीब परिवार की बहनें हैं यहाँ, गरीब परिवार की बहन को साल में एक बार 1 लाख रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया डायरेक्ट खाता में जाए, खटाखट खटाखट। 5 किलो अनाज ना 10 किलो अनाज हम लोग दिलवाएंगे, 10 किलो अनाज। आई गैस सिलेंडर मोदी जी जो 1200 कर दिए, ओकरा के 500 हम लोग करेंगे। और 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हम लोग दिलवाएंगे। ये सारा काम अग्निवीर योजनाओं के खत्म किया जाएगा। जैसे पहले बिहाली बहाली होता था वैसे ही बहाली हम लोग करवाएंगे। तो ये सारा काम करेंगे। देखिए यहाँ के सांसद ने कुछ किया, मुंह देखे हैं, घरों गया है, पंचायतों घुमा है। ये नौजवान लड़का चंचल है, पढ़ा लिखा है, गोपालगंज का है, आपके बीच का है, परिवार का है। हम नया लोग को मौका मिलना चाहिए, नया सोच है, नया बिहार बनाना है। जो काम नहीं किया उसको रिटायर कीजिए, नया लोग को मौका दीजिए। और हमको पूरा विश्वास है कि आपका बेटा बनकर चंचल आप लोगों का सेवा करेगा। तो आप लोग चुनाव चिन्ह बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कौन है लेडीज पर्स, वो कहाँ लेके गया? जी लेके घूम रहा था माथा पे। और दिखा दो बहन लोग के, दिखा दो दीदी लोग हाईवे पे कौन नंबर बाहो, क्रमांक संख्या 5। ये देखा ये लेडी पर्स, ये लेडी पर्स पे बटन दबावे के बाद एक एक वोट लेडी पर्स पे। तो आप लोग जिताइए ना चंचल को। अरे सब लोग गोल बंद हो जाइए और हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, विजय का माला पहना दे। ए भाई नौजवान भाई बताओ पहना दे। चलिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, इतना कड़ा धूप में आप लोग आए सुनने आशीर्वाद देने के लिए। भोरे की जनता जिंदाबाद, भोरे की जनता जिंदाबाद, भोरे की जनता जिंदाबाद। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। यही लोग हम लोगों का भाजपा वाला संविधान खत्म करना चाहता है। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान को खत्म कर सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।